आज आम बनवा पूरा देसी स्टाइल रे चूल्ली रे ओ आलु सारु बेसर तरकारी आेहेतु कार्तिक मास चली तो जो मैंने आईस खाऊ ना ये बहुत बढ़िया डाली डालमा खाई जदि बोर हो गले ताले ओ आलु सारु रो झोल निश्चिंत तो बिना प्याज रसुण ट्राए करूँ देखिए बहुत बढ़िया लगे खास करी जो मैंने बिना प्याज रसुण खाऊँ यहाँ बहुत बढ़िया रेबे चलतु आरंभ करवा आज रेसीपी ओ सारु आलू बेसर पाई मुझे ओ को नहीं जाइए आउ मु काटी नहीं जाइए मुझे यहाँ भिडियो देखनी ओर काटाटा यहाँ आपण मानक गोटे सर्ट भिडियो सेयार करी ओ केमती कटा जाए आउ देखिपे ये मुझे ओ को काटी नहीं जाइए आउ कि सारु को मध्य काटी नहीं जाइए यहीपर भाव में आन रु चार पखापाखि सारु को नहीं आगे भल भाव धोईक सफा कर तापर आम एवं मसला को रेडी करना से दुईटा स्पून पखापाखी सोरस गोटे स्पून पखापाखी जीरा गोटे कंचा लंका छोट पीस दुईटा अदा और तीन टा सुखिला लंका को ये नहीं जाइए देसी स्टाइल जेहेतु बनईबी तो मुझे शीलें एवं टिके ओ को यहीपर भाव में छेची नहीं जाऊँगी जहाँफल कि ओटा जोबले झोल हम तार खटा अंशटा आसब भल भाव आ बढ़िया भाव जल्दी सीझीज तापरे कड़ाई रे गोटे स्पून पखापाखि रिफाइंड ऑयल पकई कि आउ सारु को मुझे भाजी नहीं जाऊँगी जहाँ फल कि तार लाल अंश ओर सारु भल भाव पलैब से अनुसार आम भाजवा टिके तार जेपर्यंत लाल अंश मरीनी एबे ओ सारु भाजी होबा पर्यंत एबे चालंतु मसला को बाटी नबा आउ मु मसला को एठी शीले रे बाटी नै जाउची जहा फळ कि बहुत बढ़िया टेस्ट आसिबो मु जेतेबेले छोट हेथिली तो मु बहु एंती सबु बेले शीले रे बाटे आ सबु किछि बनाए देखिबे बहुत बढ़िया लागे ता टेस्ट किछि नियारा थाए आ सेतेबेले कथा किछि नियारा थिला एबे तो से सब ना ग्राइंडिंग कर दौरान कि शीलर थोड़े ट्राए करूँ देखिए बहुत बढ़िया लगे तरकारीटा तापर तीन रु चार सीझा आलू को ये मुझे नहीं जाओ ओ आलु सारु जोटा बनइबे ना आलू को भाजबे आलु सीझाटा को ही पकेबे तरकारीटा टी बहुआ आसवर टेस्ट बहुत बढ़िया आसे आईपर भाव में चोपा को छड़े कट कर नहीं जाऊँगी जो सारु आ भजा होता आम आलु को पकईकि भाजवा एबे मसला भल भाव बाटी सारा एबे आमे जो ओउ आ आलु सारु को भाजी थिले तादर पकई नबा हल्दी पाउडर दुईटा स्पून पखापाखि पकई नेली आ मु बिल्कुल भी लुण भी यूज करनी आलु सारु जो ओउ आमे भाजिले बिल्कुल भी यूज करनी एबे बढ़िया भाव देखी पारती ओउ सारु आलु लाल कि भाजी सारा एबे प्लेट को काढ़ी नहीं जाऊँगी तापर मु कड़ई बस नहीं रिफाइंड ऑयल को पकई नेली गोटे सुखिला लंका छोटियाटे तापर गोटे स्पून पखापाखि सोरस आ जीरा को ये फुटे नहीं जाऊँगी एबे सोरस जीरा भल भाव फुटिला एबे आमे पकई नबा जो शीलें आम बाटिक रखी थे मसला को एबे आमे ताकू पकई नबा आमे जो हाथ बुड़े बुड़े कि जो बाटी थी ना शीलें जो पानी थी तादर मिक्स करी जहाँ सब मसला लगी सब पकई नहीं जाऊँगी कड़ाई में तापर पकई नहीं जाऊँगी गोटे स्पून पखापाखि हल्दी पाउडर आ देखिक पकेबे कारण आम भजा ओ सारु आलु करते पकई से अनुसार आम हल्दी पाउडर को पकेबा आ मु तरकारी बिल्कुल बेसी तेल यूज करनी अल्प तेल पकई ताद्वारा टेस्ट बहुत बढ़िया आसीबो तापर गोटे स्पून पखापाखि मुझे कलर पाई काश्मीर रेड चिल्ली पाउडर पकईनि जाइए जहाद्वारा कि तरकारी कलर बहुत बढ़िया आसीबो तापर पकईनि जाउची एठी स्वाद अनुसार लुण को आउ ताको बेसी कसिबानी दुई रु तीन मिनट पर्यंत ताको कसी नबा एबे मसला भल भाव कषी हो गला आम जो ओ सारु आलू को भाजिक रखी ताकू पकई कि गोटे सेकेंड पर्यंत कषिबा जेहेतु मसला टी सुखाई जो बाटिक रखी थे से मसलार पा टे रखी पकई कि आउ गोटे सेकेंड पर्यंत कषि ने मसला भल भाव कषि आसला मु पानी को ये दे दौर
ଆଉ ଦେଖିକି ଆମେ ପାଣି ପକେଇବା। ବେଶୀ ଝୋଳ ଝୋଳ ରହିଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି, ମିଡିୟମ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପାଣିକୁ ଦେବା। ତାପରେ ମୁଁ ଘୋଡ଼ଣି ଦେଇକି ତାକୁ ସିଝିବାକୁ ଛାଡ଼ି ନେଇଯାଉଛି ତରକାରୀକୁ। ସରି, ଭିଡ଼ିଓରେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ତରକାରୀ ଫୁଟି ଆସିସାରିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ସେ ସୁଟ୍ କରିଥିଲି ଆଉ ଡିଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତରକାରୀ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଛି। ମୁଁ କଂସାରେ ଅଜାଡ଼ିଲା ପରେ ହିଁ ସେଇଟା ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ନାହିଁ ଯେଉଁଟା ଦେଖିବାର ଥିଲା। ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତରକାରୀକୁ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ସର୍ଭ କରି ନେଇଯାଉଛି। ଆଉ ତରକାରୀର ଝୋଳର କନ୍ସିଷ୍ଟାନ୍ସି ଏତିକି ହିଁ ରହିବା ଦରକାର, ବେଶୀ ବହୁଳିଆ ହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି କିମ୍ବା ବେଶୀ ପତଳା ହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ତରକାରୀ ବନିଥିଲା କିଛି ସମୟ ପରେ ରହିଲା ପରେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ବହୁଳିଆ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଗରମା ଗରମ ବନିବ ତ ଗରମା ଗରମ ଭାତ ସହିତ ଆଉ କିଛି ବି ଦରକାର ପଡ଼ିବନି, ୟାକୁ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଖାଇବେ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଓଉ ଆଳୁ ସାରୁ ବେସ ରେସିପି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆପଣମାନେ ଘରେ ବନାନ୍ତୁ ଏବଂ ଖାଆନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସୋମ୍ୟ ଦ ଫୁଡ୍ ବ୍ଲଗର୍କୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେୟାର୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରଥମ କରିଯାଇ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ତେବେ ମୁଁ ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ନମସ୍କାର।